आज फिर से बढ़ने वाले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करें तो आपको दिखेगा आज मजबूती दिखेगी आपको BPCL में, कोटक महिंद्रा बैंक में, टाटा स्टील में और शुरुआती आप टिक्स आना शुरू हो गए हैं। 1200 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं। मार्केट की ब्रेड बहुत प्यारी चल रही है। पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे अंडरटोन बाजार का काफ़ी स्ट्रांग है। इन स्पाइट ऑफ दिस के FIs होल्डिंग कम हुई है या बढ़ रही है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 18600 के आसपास का जो रेंज है उसमें हमने 50 पॉइंट और जोड़ दिया आज के गैप के साथ, करीब 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ गया है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में थोड़ा लीड है और 108 पॉइंट की बढ़त के साथ 43,700 पर पहुंच गया। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है। अगर आप इसका प्रीमियम चेक करेंगे तो ये करीब आपको 150 पॉइंट और जोड़ने होंगे, तो 850 तो हम आ ही चुके हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के साथ भी। आ जाते हैं निफ्टी के यानी कि इंडेक्स के टॉप गेनर कौन कौन से हैं, एक बार आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। पहले निफ्टी के लेके आता हूं, इंडसइंड बैंक आज आपको मजबूती दिखाएगा, टाटा स्टील मजबूत है, नेस्ले मजबूत है, NTPC मजबूत है। तो पहले अगर आप 10 शेयर देखेंगे ना तो आपको थोड़ा वैसे फ्रेगमेंटेड दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कंपनी के एक ही सेगमेंट के 6-7 शेयर एक ने एकदम से जोर लगा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बाजार थोड़ा टूटा टूटा बढ़ रहा है और एक करीब 0.5% से 0.25% की कन्विक्शन के साथ है। कोई भी बड़ा शेयर ऐसा नहीं है जो 1.5 से 2% और उसकी वेटेज भी हो तो बाजार को टिकाए रखे। फिलहाल एडवांसेज आपके अब 1400 हो चुके हैं। डिक्लाइंस की संख्या पिछले 1-1.5 मिनट में कुछ खास बढ़ी नहीं है बल्कि एडवांसेस बढ़े हैं। तो अंडरटोन मार्केट के आज मजबूत है काफ़ी, और कोई बड़ी बात नहीं, शुक्रवार है, 3 इवेंट आप पास कर चुके हैं। थोड़ा स्पीड से हम शॉर्ट कवरिंग करके और ऊपर आ जाएं। आज कमजोरी वाले शेयर में SCL टेक आपको दिखेगा, 4% नीचे है। टेक महिंद्रा 0.5% है, यानी कि सिर्फ SCL टेक तक ही सीमित रह गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस शेयर की हम बात कर रहे थे कि खरीदना चाहिए वो था इंफोसिस, वो आज कुछ ज़्यादा बड़े नुकसान के साथ नहीं है। नेक्स्ट 50 वाली कैटेगरी आप जरा जल्दी से चेक कीजिएगा, HPCL ऊपर है, अंबुजा सीमेंट ऊपर है और अंबुजा 600 के पार हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके काफ़ी करीब है। NMDC का ब्रेकआउट हुआ, ये करीब 1% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर्स भी आज पौने 1% ऊपर है। कमजोरी वाले शेयर्स में अपोलो हॉस्पिटल सिर्फ 4.5% नीचे, इंद्रप्रस्था गैस IGL करीब 4.5% नीचे। ये हल्के फुल्के शेयर्स हैं। तो आज अभी तक कंबाइन एफर्ट्स चल रहा है, सोलो एफर्ट्स नहीं चल रहा, सब लोग धीरे धीरे करके 4.5% से 0.5% तक बढ़ रहे हैं, बट सोलो शेयर के पास आज अभी तक लीडरशिप नहीं आई है। देखते हैं क्या होता है। वादा के शेयर, छोटे मझोले शेयर आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल डिंपी, लेकिन बड़ी नजर ये जा रही थी कि IT पैक पे एक रिएक्शन किस तरह क्या है। जिस तरह की कॉमेंट्री अभी निकुंज भी देते हैं, HCL टेक को ही आप सब देखें ना, वहीं पर डेंट है। इन्फोसिस भी प्लस हो गया इनफैक्ट, और सारे एक बार मिड कैप स्पेस में हम देखें और मिड कैप IT को भी देखें तो कोई डेंट वहां नहीं दिख रहा है। बड़े जो मूवमेंट आपको दिख रही है पूरा कैपिटल गुड स्पेस, चाहे पहले सीमेंट्स हो, LNT हो, ABB हो और अब कमिंस इंडिया, 2% की तेजी कमिंस इंडिया में दिख रही है। तो कैपिटल गुड स्पेस पर तो आप नजर रखें, यहाँ ऑर्डर फ्लो बहुत बड़ा अच्छा दिख रहा है और साथ ही बजट से पहले पूरा स्पेस वाइब्रेंट भी है। आपको फिर से मिड कैप बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक, यूनियन बैंक, RBL बैंक, इनमें मूव दिखाई दे रही है। मेटल काउंटर्स में आपको स्टील अथॉरिटी सेल में मूव दिख रही है। टू व्हीलर ऑटो पैक का टू व्हीलर TVS मोटर, आपको याद होगा सोमवार को जो प्रमोटर ने एक स्टेक सेल किया उस दिन जरूर एक डेंट दिखा था, लेकिन उसके बाद से TVS मोटर ने रिकवर कर लिया। आज भी 1% की तेजी, क्योंकि वो फंड वो यूज करने वाले हैं फॉर देयर ग्रोथ फॉर R&D ओनली। बाजार को वो मूवमेंट समझ आ रही है और अब आप देखें उस पर रिएक्शन भी क्लियरली दिख रहा है, लेकिन थोड़े से IT स्टॉक्स अब कुछ पोजिशंस चेंज हुई दिखती है। HCL टेक आपको लगभग 4-4.5% गिरावट वहां दिख रही है, लेकिन टेक महिंद्रा थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। इंफोसिस फ्लैटिश सा काम कर रहा है। और एक बार डेरिवेटिव मार्केट को भी देख लेते हैं, वहां जो एक्शन दिख रहा है उसमें बड़े एक्शन में आपको OMC काउंटर्स तो दिख रहे हैं। OMC काउंटर्स रडार पर होने चाहिए। आज भी HPCL में आपको मूव दिख रही है, IOC में मूव दिख रही है। इन स्टॉक्स को तो ध्यान रखेंगे, कैपिटल गुड्स के कमिंस इंडिया पे मूव ध्यान रखें और साथ ही स्टील काउंटर्स में आपको इनिशियल फॉर द फेस ऑफ इट आपको सेल दिख रहा है और सीमेंट पैक आपको डेरिवेटिव स्पेस में फिर से उनमें शॉर्ट कवरिंग का एक बाउंड दिख रहा है। एक बार समझ